फ्रेंड, मैं हूँ संजय और आपका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको 15x40 600 स्क्वायर फीट पर बनते एक मकान की प्लानिंग आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा और साथ में ही हाल, कमरा और जो बेडरूम यहाँ पर दिया गया है उसका साइज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 15x40 600 स्क्वायर फीट पर चलते हुए एक काम की प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर जो सामने का यहाँ पर फ्रंट दिया गया है यहाँ पर 15 और जो इसकी जो गहराई दी गई है 40, मतलब 600 स्क्वायर फीट पर इसकी प्लानिंग को किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेन गेट लोहे का यहाँ पर लगा हुआ है और यहीं पर किचन की एक विंडो आपको यहाँ पर दिखेगी, बड़े सी बाहर होते हुए और लोहे की जाली के साथ इस पर काम किया गया है और बाहर आपको बढ़िया से पट्टे आपको यहाँ पर दिखेंगे प्लास्टर के और पुट्टी और वाइट कलर इस पर किया गया है। बढ़िया सी डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और आपको यहीं पर आपको एक गाड़ी पार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस जो गाड़ी पार्किंग का जो साइज है वहाँ 8x13 इस गाड़ी पार्किंग के साइज को यहाँ पर रखा गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं नल के और आप छोटी सी 2 व्हीलर गाड़ी आप यहाँ पर पार्किंग आप यहाँ पर कर सकते हैं और इंडोर टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है मजबूती के लिए और यहीं से आपको दूसरी मंजिल के लिए जीना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाहर के बाहर गाड़ी पार्किंग और यहीं पर अभी आप देख सकते हैं गेट की तैयारी यहाँ पर चल रही है, प्लेनिंग का काम यहाँ पर चल रहा है और 3.5 फीट इस गेट के साइज को यहाँ पर रखा गया है और जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक आपको हाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 14x14 इस हाल के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर बनाया जा रहा है एक हॉल और हॉल के ही पास्ट में आपको यहाँ पर एक किचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6x13 इस किचन के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। बाहर के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं और सिंक यहाँ पर दिया गया है और यहीं पर पॉइंट यहाँ पर नल के यहाँ पर दिए जाएंगे और बढ़िया सी टाइल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉफ़ी के मक्के की टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है बाहर के बाहर और बढ़िया सी एक विंडो 3.5x3 यहाँ की विंडो बाहर के बाहर ताकि किचन पर यहाँ पर उजाला हवा आ सके और जब आप कुछ बनाते हो तो उसकी धांस वगैरह यहाँ पर बाहर यहाँ से निकल सके और बढ़िया से यहाँ पर खन आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर सामान वगैरह यहाँ पर रख सके और यहीं पर पॉइंट और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर पुट्टी का काम चल रहा है। यहाँ पर बढ़िया सी प्लानिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और यहीं पर एक हॉल और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर POP का काम अपने चल रहा है। जब इसकी POP हो जाएगी तो इसकी वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अब हॉल के ही जस्ट पास में आपको यहाँ पर एक बेडरूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बेडरूम का जो साइज है वहाँ 11x10 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर बनाया गया है और यहीं पर आपको बिल्डर से यहाँ पर दिख जाएगा उजाले के लिए ताकि बेडरूम पर यहाँ पर उजाला यहाँ पर रह सके और यहीं पर एक अलमारी आपको देख सकते हैं बनाई गई है सामान रखने के लिए बेडरूम पर यहाँ पर और यहीं पर पास में आपको एक लेथ बाथ आपको यहाँ पर दिख जाएगी 4x7 इस लेथ बाथ के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं बढ़िया से टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है, बढ़िया से यहाँ पर एक ब्लैक कलर के पट्टे के साथ और वाइट कलर की यहाँ पर टाइल्स और इंडियन सेट के साथ यहाँ पर काम किया गया और अभी यहाँ पर चल रहा है प्लेनिंग का काम आप देख सकते हैं यहाँ पर भैया। तो बढ़िया सी गाड़ी पार्किंग से होते हुए एक हॉल, हॉल से एक बेडरूम, एक लेथ बार और आपको एक किचन 15x40 600 स्क्वायर फीट में यहाँ पर प्लानिंग की गई है और यहीं पर से आपको दूसरी मंजिल के लिए जीना आप देख सकते हैं ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर किया गया है। बड़ा सा एक टप्पा आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर आपको देखते हैं विंडो यहाँ पर भी दी गई है 3.5x3 ताकि यहाँ पर जीने पर इसका उजाला यहाँ पर रह सके। तो अभी यहाँ पर सिंगल मंजिल की प्लानिंग यहाँ पर की गई है, यदि भविष्य में इसकी डबल मंजिल की प्लानिंग होगी तो इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।